वेलकम बैक टू माय चैनल एडीबी कूल में। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन से है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री? सही जवाब पद्म विभूषण है। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन से है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री? सही जवाब पद्म भूषण है। पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 120 को, 145 को, 199 को या 50 को? सही जवाब 120 को। पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? 1 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, कोई नगद राशि नहीं। सही जवाब कोई नगद राशि नहीं। 2023 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 1 को, 2 को, 0 को या 4 को? सही जवाब 0 लोगों को। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? 1 जनवरी 1950 से, 2 जनवरी 1954 से, 18 अगस्त 1971 से या 15 अगस्त 1999 से? सही जवाब 2 जनवरी 1954 से। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? चंद्रशेखर वेंकट रमन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उपयुक्त तीनों? सही जवाब उपयुक्त तीनों। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? H.J. कानिया, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? सही जवाब राजेंद्र प्रसाद द्वारा। भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? पृथ्वी की तरह गोल, सिक्के की तरह, पीपल के पत्ते की तरह, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब पीपल के पत्ते की तरह। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? 1 करोड़, 10 लाख, 0, 5 करोड़। सही जवाब 0 है। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब सचिन तेंदुलकर है। एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? 1 को, 2 को, 3 को या 4 को? सही जवाब 3 को। भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा या गृह मंत्री द्वारा? सही जवाब राष्ट्रपति द्वारा। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, लता मंगेशकर? सही जवाब इंदिरा गांधी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।